दोस्तों, ये जो मंदिर आप लोग देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के मझवा ब्लॉक के कोथना गांव में पड़ता है। दोस्तों, ये सारनाथ बाबा के नाम से फेमस है ये मंदिर। ये बहुत ही पुराना मंदिर है और इसका इतिहास मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों, और बने रहिए हमारे वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है दोस्तों, और हम आपको इस वीडियो में पूरा विवरण बताते हैं। हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। दोस्तों, हम आज ऐसे इस जगह पे आए हुए हैं कि ये जो आप पीछे मंदिर देख रहे हैं, ये भगवान शिव का मंदिर है, और इतना पुराना मंदिर है कि आप समझ सकते हैं जिस समय चंद्रकांता का किला, चुनार का किला जिस समय बना था, उसी समय का ये मंदिर बना हुआ है। ये सारनाथ बाबा के नाम से और शिव बाबा का मंदिर है। ये गोधना में पड़ता है, जिला मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, हम आइए आप लोग को उस मंदिर को दिखाते हैं और भगवान शिव का दर्शन कराते हैं। वहाँ पे बैठे कुछ हमसे सीनियर लोग हैं, उन जो है लोकल लोग, उनसे समझते हैं, देखते हैं, पूछते हैं क्या है, कैसे है यहाँ पे सिस्टम। तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं। ये मंदिर का मेन गेट है दोस्तों, ये सामने से, और ये हम अंदर जा रहे हैं, अब दिखा रहे हैं। और ये घंटा बहुत बड़ा लगा हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जिस समय चुनार का किला बना था, उसी समय का ये बना है, ऐसा लोग कहते हैं। और यहाँ पर कुछ भैया लोग बैठे हुए हैं, उनसे चलिए हम पूछते हैं। और तो भैया, इस मंदिर के बारे में आप लोग कुछ बताएंगे? ये प्रश्न आप बताइए। अरे हम का बताइए कुछ, पूछते मतलब आपको इस मंदिर के बारे में जानकारी, कुछ यहाँ लोग आए थे, कैसे हुआ, गुरु जी क्या बताए हुआ? हैं, गुरु जी बताए अच्छा, हैं तो फिर आप तो बताए हैं। यहाँ पे एक जो गुरु जी रहते हैं और उसका देख रेख करते हैं मंदिर का जो है, और वो साफ पुजारी सफाई है। पुजारी हैं। और तो दोस्तों, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, ये शिव मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये खम्भों पे बनाया गया है दोस्तों, और ये पत्थर पे पत्थर, शिला पे शिला रख के बनाया गया मंदिर है दोस्तों। और ये देखिए, बाबा नंदी बाबा का जो है मूर्ति है दोस्तों, ये टूट चुका है या कट चुका है, ऐसा लोग कहते हैं। यहाँ पे औरंगजेब आया था और उसी के द्वारा ये जो मूर्ति का तोड़ फोड़ हुआ है, और उसी के द्वारा हुआ है दोस्तों, ऐसा सुनने में यहाँ पे आया है। और ये मंदिर दोस्तों, कोई से कनेक्ट नहीं है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये पत्थर पे पत्थर रख के बनाया गया मंदिर है दोस्तों। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत ही इसमें नक्काशियाँ कटी हुई हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं अंदर से। ये देखिए, जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ऐसा मूर्ति अजंता एलोरा की गुफाओं में देखने को मिलता है। और ये मूर्ति कैसे इसमें अटैच है, खंभे में कैसे लगा हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं इससे। और ये जो है दोस्तों, काफ़ी पुरानी मंदिर है। ये नीचे बजरंगबली हैं जो है, और ये एक नंदी बाबा यहाँ भी हैं दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ये बाबा का मंदिर है। तो दोस्तों, चलिए हम आपको अंदर से बाबा का दर्शन कराते हैं दोस्तों। और ये गेट है मंदिर का, अंदर जाने के लिए ये देखिए, ये थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं दोस्तों। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये बाबा शिव का ये है, बाबा शिव हैं जय। दोस्तों, ये सारनाथ बाबा के नाम से फेमस है, काफ़ी दूर तक इनका चर्चा है क्षेत्र में, काफ़ी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं दोस्तों। और ये अंदर से ये कुछ, ये देखिए, ये हाथी का चित्र बना हुआ है दोस्तों, इधर कुछ लिखा गया है। और बहुत ही पुराने मंदिर है ये, ऐसा कहते हैं जब चंद्रकांता किला, चुनारगढ़ का किला बना था, नैनागढ़ का किला, तभी का भगवान शिव का मंदिर का निर्माण हुआ है। और आप देख सकते हैं, ये मोटे मोटे पत्थरों द्वारा बनाया गया है, इसमें कोई वो नहीं है,
तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप लोग ये देखिए बहुत सी कलाकृतियाँ हैं। इसका मंदिर का जो द्वार है यहाँ कुछ लिखा गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ कुछ लिखा गया है। और तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये देखिए नक्काशी बहुत ही यूनिक तरीके से मनाया गया है। ये बहुत ही पुराना मंदिर होने के कारण ये देखिए दोस्तों यहाँ से पूरा मंदिर का व्यू तो आ नहीं रहा है, लेकिन हम आप लोग को दिखा सकते हैं दोस्तों। ये देखिए ये 3 मंजिला मंदिर है दोस्तों, और आगे ये भगवान शिव का नीचे मंदिर है, ऊपर एक छत टाइप है, फिर उसको फिर उसके बाद ऊपर एक और है। और तो दोस्तों ये इसमें काफ़ी कलाकृतियाँ देखने को मिल रही हैं, काफ़ी पुराना मंदिर है। तो यहाँ पे आसपास के क्षेत्र काफ़ी दूर तक सारनाथ बाबा के नाम से ये फेमस हैं। और ये देख सकते हैं जैसा कि ये कलाकृतियाँ आप लोग देखिए, और इसका संबंध चुनारगढ़ किले से है। जिस समय उसका निर्माण हुआ था उसी समय ये लोगों की ऐसी मान्यता है, ऐसी कहावत है, हमने सुना यहाँ पे आके कि उसी समय का ये बना मंदिर है भगवान शिव का। और तो दोस्तों और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, और हमने पहली बार यहाँ भगवान शिव का दर्शन किया। और ये देखिए यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ रखी गई हैं पुरानी दोस्तों, और आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी पुरानी मंदिर है दोस्तों। ये देखिए तो आइए हम आपको एक बार और दिखाते हैं, ये कुंड बना हुआ है तो कुंड में हवन किया जाता है, ये भगवान शिव का जो जल चढ़ता है इसी में आता है। और ये बाउंड्री नुमा बन गया है चारों तरफ दोस्तों, और ये देखिए मंदिर, कल्पना कर सकते हैं दोस्तों ये कितना पुराना होगा। इसकी जो ये पत्थर हैं ये आप लोग देख सकते हैं, पत्थर में दरारें आ रही हैं, टूट रहा है, तो आप इससे समझ सकते हैं कितना पुराना है। ये देखिए ये पत्थर, ये भी पत्थर है, यहाँ कुछ देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी गई हैं जो काफ़ी पुरानी हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ दूर पे एक तालाब है, और वहाँ का जो है हम अभी दिखाते हैं। ये देखिए और वहाँ भी चलेंगे तो उस तालाब का भी अभी दिखा रहे हैं थोड़ी देर में, तो वहाँ चलते हैं तो दिखाते हैं। और ये देखिए दोस्तों काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ टूटी फूटी रखी हुई है यहाँ पे, तो हम वहाँ तालाब का भी दिखाते हैं दोस्तों।